तो फ्रेंड्स, गोभी की सब्जी आपने बहुत बनाई होगी। मैं आज खास ट्रिक के साथ गोभी की रेसिपी लेकर आ गई हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत झटपट से बन जाती है। तो चलिए चलते हैं किचन में, इसे ट्राई करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 केजी गोभी लिया है, जिसे तोड़ के अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है। 3 मीडियम साइज का आलू, जो कि लंबे स्लाइस में मैंने कट किया, आप अपने चॉइस के मुताबिक इसका शेप दे सकते हैं। 2 ग्रीन चिली, थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर और हरे मटर। हरा मटर देखा जाए तो वज़न में ये 300 ग्राम है। 3 मीडियम साइज की ओनियन, जो कि मैंने इसे छिलके पहले से ही रख लिया है। सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से वाश कर लिया है, इसके पानी को एक छन्नी में रख के निकाल लिया है। इसे फ्राई करने के लिए मैंने लिया है कढ़ाई, इसमें 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल को ऐड कर रही। आप अपने चॉइस के मुताबिक ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें गोभी को हम अच्छे से डाल के फ्राई कर देंगे। गाइस, गोभी तोड़ने के बाद से हल्के से गुनगुने पानी में इसको ऐड कर दें, ताकि इसमें कीड़े का कोई शक ना हो। अगर हम गोभी को गर्म पानी में ऐड कर देते हैं तो अंदर कीड़ा रहने का डर नहीं होता है। अब देख सकते हैं गोभी को मैंने ऐड कर दिया है। इसे बराबर से चलाते हुए हाई फ्लेम पे हम इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। गाइस, अक्सर ऐसा होता है गोभी फ्राई करते हुए हम नमक को ऐड कर देते हैं, जिससे गोभी हमारी बहुत सॉफ्ट हो जाती है और कुक होते वक्त टूट जाती है। फ्राई करते वक्त आप बिल्कुल इसमें नमक को ऐड ना करें, आपकी गोभी बहुत परफेक्ट तरीके से बनके तैयार होगी। आप देख सकते हैं इसी ऑयल में मैंने आलू को भी फ्राई कर लिया है, ताकि आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। इसमें मैंने आलू को ऐड कर दिया है। इसे भी डार्क ब्राउन होने तक हम अच्छे से बराबर से चलाते हुए मिक्स करेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने आलू को इसमें ऐड कर दिया। इसमें 1/2 चम्मच नमक को मैं ऐड कर रही, आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है, इसे क्लोज लिड के साथ हम फ्राई करेंगे, ताकि ये बहुत परफेक्ट तरीके से फ्राई हो। आलू को फ्राई होते वक्त आप क्लोज लिड कर दें तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होता है। आप देख सकते हैं आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैं इसे निकाल ले रही। गाइज, आलू गोभी हम सबके घर में बनता है और हम सब बनाते रहते हैं, लेकिन मैंने इसे बहुत खास ट्रिक के साथ बनाया है, ये बहुत ही यम्मी बनेगी। इस ट्रिक के साथ अगर आप आलू गोभी बनाएंगे तो सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तो इस ट्रिक को फॉलो करिए और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। ये रेसिपी बहुत आसान है और बहुत यम्मी बनती है। आप देख सकते हैं आलू भी हमारा फ्राई हो चुका है। चलिए इसके मसाले को तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। इसे अच्छे से गरम करेंगे, ताकि ये बिल्कुल कच्चा ना रहे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, इसमें ऐड करी 1 चम्मच मेथी। आप इसकी जगह 5 फोड़न भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच हींग को ऐड करूँगी, इससे बहुत फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। मसाले में मैंने लिया है जिंजर, गार्लिक, ऑनियन, ब्लैक पेपर, जीरा का पेस्ट बना लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। पेस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने से पहले फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे, ताकि इसकी छींटे दूर तक ना जाएं। आप देख सकते हैं पेस्ट को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसमें ऐड करी मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर आप अपने सब्जी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड किया है मैंने 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ऐड करी मैं 3 मीडियम साइज की चॉप की हुई ऑनियन और 2 ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाइज, अक्सर सब्जी बनाते हुए हम ऑनियन को फ्राई कर देते हैं, लेकिन गोभी के सब्जी में ऑनियन को फ्राई करके नहीं ऐड करना चाहिए। मसाले में अगर इसे ऐड करके कुक करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। गाइज, इस ट्रिक के साथ अगर आप गोभी की सब्जी बनाएंगे तो बहुत यम्मी बनेगी और बहुत झटपट से भी बन जाएगी। ये गोभी रेसिपी बहुत आसान है और बहुत यम्मी बनती है। गाइज, इस ट्रिक को एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट करिए कि आपकी गोभी रेसिपी कैसी बनी थी। आप देख सकते हैं इसे हाई फ्लेम पे हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला बिल्कुल कच्चा नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं मसाला बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भून चुका है, ये बिल्कुल कच्चा नहीं है। मैंने इसे बहुत अच्छे से बराबर से चलाते हुए भून लिया है। इसमें ऐड कर दे रही मैं मटर को। मटर को अगर मसाले में ऐड करके भून देते हैं तो ये बहुत अच्छा बनता है, इसलिए इस रेसिपी में आप मटर को मसाले के साथ ऐड करके इसे बहुत अच्छे से भून लें। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे तो ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप देख सकते हैं मटर को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है।
इसमें थोड़े से कोरिएंडर को मैं ऐड कर रही। मसाले में कोरिएंडर को ऐड करने से ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनती है। गाइस, आप कोई भी रेसिपी बनाएं तो थोड़े से कोरिएंडर को आप मसाले में ज़रूर ऐड करें, और फिर आप देखिएगा आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत टेस्टी लगेगी। इस ट्रिक के साथ अगर हम सब्ज़ी को बनाते हैं तो ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनती है। ख़ास करके गोभी के सब्ज़ी में हम अगर इस ट्रिक को अपनाते हैं तो बहुत अच्छी बनती है और झटपट से भी बन जाती है। गाइज, आप आलू गोभी तो बहुत बनाए होंगे, लेकिन मेरे ट्रिक के साथ एक बार आलू गोभी रेसिपी बनाकर देखिए, आपकी सब्ज़ी बहुत यमी बनेगी। सब तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है। इसमें फ्राई किया हुआ आलू और गोभी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसे बराबर से चलाते हुए भी 2 मिनट तक इसे भी भूनेंगे ताकि आलू और मसाला एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। गैस को हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि सब्जी हमारी बिल्कुल जले ना। फ्रेंड्स, किस किस के घर में इस ट्रिक के साथ गोभी की सब्जी बनती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के घंटी को पुश करके ऑल पे करिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बहुत अच्छे से भुन चुकी है। इसमें हम 1 गिलास पानी को ऐड करेंगे। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से इसमें पानी को ऐड कर सकते हैं। गाइज, मैंने इसमें गर्म पानी का यूज़ किया हुआ है। अगर गर्म पानी से हम सब्जी को बनाते हैं तो इसकी कुकिंग बिल्कुल नहीं रुकती है, ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है और ग्रेवी भी बहुत परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होती है। गाइज, पानी को ऐड करके मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसे क्लोज लिड के साथ हम 5 मिनट के लिए कुक करेंगे। बिल्कुल इसे बीच में नहीं चलाना है, ऐसे ही इसे क्लोज लिड के साथ 5 मिनट के लिए कुक करना है और मीडियम टू लो पे इसे कुक करना है। आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी बहुत परफेक्ट तरीके से बन रही है। मैं इसे क्लोज लिड कर दे रही और 5 मिनट के लिए इसे कुक कर ले रही, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि ये मेरी रेसिपी बनके कैसी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। इसे मैं कोरिएंडर से गार्निश कर दे रही, फिर मैं आपको बाउल में निकाल के दिखा रही कि ये सब्जी कैसी बनी है। गाइज, इस ट्रिक के साथ किस किस के घर में गोभी की सब्जी बनती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। मैं इसे बाउल में निकाल के आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। आप देख सकते हैं इसे मैंने बाउल में निकाल दिया है। इतना सुपर टेस्टी लाजवाब सी रेसिपी शायद ही आपके साथ किसी ने शेयर की होगी। फिर देर किस बात की, किचन में जाइए, ट्राई करिए और इन्जॉय करिए। गाइज, इतना सुपर टेस्टी गोभी की सब्जी अगर आपने बना लिया तो चिकन मटन छोड़ के सब खाने लगेंगे, तो फिर देर किस बात की, किचन में जाइए और इसे ट्राई करिए और कमेंट करिए आपकी रेसिपी कैसी बनी। फिर मिलती हूँ ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।